आज पंजाब के नवा शहर में एक शो आयोजित किया गया है जो कि सिर्फ जर्मन शेफर्ड के लिए 18 तारीख है, शनिवार है ना जी, 18 तारीख है ना, 18 तारीख है शनिवार के लिए। देखो भाई, जो भी डॉग ब्रीडिंग का काम करना चाहते हो स्पेशलिटी जर्मन शेफर्ड में, इतना आसान नहीं है, बहुत कंपटीशन है। कुत्ता उत्ता को लेके आइए, शो में लेके आओ, घर में बैठल रहोगे तो नहीं कुछ कर पाओगे, का सही है? बिल्कुल बिल्कुल। आओ देखो, जैसे यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, बहुत तरह के ब्रीडर लोग मिलेंगे, कुत्ता लोग को देखोगे, एक से कुत्ता, जैसा ये भाई के साथ कितना सुंदर कुत्ता है, देखिए एक से एक कुत्ते देखने को मिलेंगे, जर्मन शेफर्ड देखने को मिलेंगे, समझ आएगा, सीखोगे। ऐसे ब्रीडर को फोन कर करके नहीं सीखोगे क्या, बस ये कि नहीं। आइए भाई साहब से थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। भैया हमारे भूपेंद्र भैया हैं, और भैया जी कैसे हैं, थोड़ा तो खड़ा कीजिए तो। बहुत बढ़िया भैया, इधर इधर आओ, दिखाओ दिखाओ दिखा दो इसको, शो करना अभी आपको जी, कब कर रहे हैं? इसकी आएगी क्लास अभी, अभी आएगी भैया इसकी क्लास। अच्छा, इसकी क्लास आएगी जी। किसका बच्चा है बता सकते हैं क्या? सूर्यवंशी पिग्गो का बच्चा है भैया। अच्छा अच्छा, बड़ा सुंदर बच्चा, स्टैक लगा के दे, स्टैक लगाई थोड़ा। देखो भाई साहब, ये भी इन्होंने भी कभी ना कभी जीरो से स्टार्ट किया होगा, आज लेदर की लीज पकड़ के शो में आए हुए हैं, शो कराने के लिए डॉग, इसीलिए मैं ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ कि मोटिवेट हो जाओ। देखो देखो क्या सुंदर स्टैक लगाया हुआ, क्या सुंदर। अब इनसे पूछते हैं कहाँ से स्टार्ट किया था। अच्छा एक बात बताइए, ये कितना टाइम हो गया आपको? भैया मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए जी। अच्छा, जब आपको इतना प्रोफेशनलिज्म, जैसे प्रोफेशनल टाइप के अब तो हो गए आप जी, इसमें कितना वक्त लग गया? भैया 10 साल लग गए। 10 साल लग गए, 10 साल लग गए तो ही अभी तक यहाँ पे पहुँचे हैं। मतलब शो में आते बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है भाई साहब। देख लो, खुद भाई लोग बोल रहे हैं कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शो में आओ, जिसको भी काम करना है, बस 2-4 कुत्ता खरीद लेते हो आप लोग, सोचते हो कि पेडिग्री रॉयल कैन खिला खिला करके मेटिंग करवा करके बच्चा बेच देंगे, ऐसे बच्चा नहीं बिकेगा। प्रचार प्रसार करने के लिए शो में आना पड़ेगा, लोग आए हुए हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत तगड़ा है भाई साहब। कुछ जो नए लोग हैं उसके लिए क्या करना चाहते हैं बताइए तो थोड़ा। भैया घर से बाहर निकलना पड़ेगा ब्रीड के लिए। अच्छा। ब्रीड का, अच्छी ब्रीड करनी है तो घर से बाहर निकल के देखो, आके शो पे देखो क्या है क्या नहीं है। घर बैठे आदमी, नए आदमी ने कुछ नहीं पता चलता, फोन करने पे कुछ नहीं पता चलता, फोन करने पे नहीं, नहीं पता चलता क्या है क्या नहीं है। अच्छा, आप भी सब स्टार्टिंग किया था आपने जी, तो शो में जाते थे किसी फोन से ब्रीड? नहीं भैया, मैं तो ऐसी घर बैठे नहीं किया था, तो इसीलिए इतना समय लग गया। घर बैठे किए थे? घर बैठे नहीं किया था। देखो देखो, हाँ भैया क्या बता रहे, यही बताना चाहता हूँ कि घर बैठे फेसबुक या यूट्यूब से फोन करते होंगे आप जी, है ना जी, लेकिन जब आप फील्ड में, कुछ नहीं पता चलता भैया। हाँ, जब आप लाइव देखते होंगे, लाइव देखते हैं तो पता चलता है, अपने कोई फ्रेंड में पता चलता है क्या होता है क्या नहीं होता, घर बैठे कुछ नहीं पता। अभी देखो आप भूपेंद्र भैया ना, देखो भाई साहब भूपेंद्र भैया है हमारे पंजाब के, और इन्होंने भी बताया है कि घर बैठे कुछ नहीं होता, इनको इसीलिए 10 साल लग गए। इसीलिए अगर आप कम टाइम में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो शो देखो, शो हुआ है, पता करो, गूगल वगैरह पे पता चल जाएगा, ब्रीडर पे पता चल जाएगा, फेसबुक कम्युनिटी पे आपको पता कर सकते हो। आओ यहाँ पे ब्रीडर को देखो, सीखो उनसे, देखो शानदार बच्चा, ये तो जीता हुआ भी है। ओहो, आप कटोगे भैया? एक मिनट दिखाए, क्या ट्रॉफी दिखाइए जरा आप, मतलब क्या, मतलब आप ब्रीडिंग करते हैं कुत्ता बेल का, सेल भी करते हैं? सेल करते हैं। कहाँ से है? हिसार से, हरियाणा। हिसार हरियाणा। हाँ। नाम क्या हो भैया? सन्नी कुलड़िया। अच्छा एक बात बताइए, कितना टाइम लग गया आपको यहाँ तक पहुँचने में, मतलब वहाँ हरियाणा से पंजाब नहीं, ब्रीडिंग लाइन में यहाँ तक पहुँचने में? ब्रीडिंग लाइन में तो भाई साहब 3-4 साल हुए। 3-4 साल। हाँ। आप भी वही फेसबुक वगैरह से कॉन्टेक्ट करके यहाँ पहुँचे कि डायरेक्ट आप घूमते थे, बाहर निकलते थे? नहीं, शो में जाते थे, शो में जाते थे, फिर मेहनत की है। अच्छा, मेहनत करी है तो भाई साहब बड़ा सुंदर डॉग है, थोड़ा सा स्टैक लगा दो भैया इसी बात पे, थोड़ा सा भाई लोगों को दिखा दे, बड़ा प्यारा डॉग है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आ रहा है, लगा दिया। कोई नहीं, बड़ा प्यारा, बड़ा प्यारा, देखो भाई क्या मजा, मतलब ओहो मजा आ गया, बस ऐसा डॉग देख देख के ना। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, बड़ा प्यारा डॉग है, बड़ा सुंदर डॉग है। देखो लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग फोन कर कर के सोचते हो कि 3-4 का बच्चा ले ले, और उसके बाद देखो कितना भयानक कॉम्पिटिशन है, सब लोग आगे पैसा भी खर्च कर रहे हैं कुत्ता इंपोर्ट कराने के बाद। देखो देखो अब भाई कितना मेहनत कर रहा है। अभी यहाँ पे अंदर जरा फील्ड के अंदर का नजारा दिखाता हूँ। ये देखिए फील्ड के अंदर का नजारा, लाइव देखिएगा तब आप लोग को आइडिया मिलेगा।
सिर्फ इंपोर्ट का बच्चा ले लो, इंपोर्ट करा लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे भाई लोग हैं जिन्होंने पिछले साल ही स्टार्ट किया है ब्रीडिंग, लेकिन आज बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छू चुके हैं जर्मन शेफर्ड में। इसीलिए रिक्वेस्ट है, इसलिए वीडियो ये बना रहा हूँ ना, घर में मत बैठो, बाहर निकलो, बहुत फायदा होगा, नए नए लोगों से मिलने का चांस मिलेगा, बहुत चीज़ सीखोगे आप। अरे बकचोदी नहीं कर रहे भाई, वीडियो बना रहे हैं।